एक गुरु ने अपने शिष्य को तलवारबाजी की सारी विद्या सिखा दी। गुरु बूढ़े हो चले थे, शिष्य जवान। किसी जमाने में गुरु का लोहा पूरा गांव मानता था, पर आज शिष्य ही उन्हें चैलेंज करने लगा था। वो जगह जगह घूमकर लोगों से कहता था कि उनका गुरु तो कुछ भी नहीं। आज इस गांव में क्या, आसपास के कई गांवों में उससे बड़ा कोई तलवारबाज नहीं। लोगों से इतना कहने तक में कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अहंकार इतना सिर चढ़ गया जब शिष्य ने खुलेआम गुरु को चैलेंज कर दिया कि या तो मैदान में आकर मुकाबला करो या फिर गुरुवाई छोड़ो। सबने बहुत समझाया कि गुरु से ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, पर अहंकार किसका समझा है जो उस शिष्य का समझता। पुत्र रूपी जिस शिष्य को उन्होंने सब कुछ सिखाया, आज वही चैलेंज कर रहा है। ना चाहते हुए भी आखिर गुरु को अपने शिष्य के साथ तलवारबाजी के उस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ा। पूरा गांव जानता था गुरु बूढ़े हो गए हैं और शिष्य की ताकत के आगे वो मिनट भर भी नहीं टिकेंगे, पर गुरु ने चुनौती को स्वीकार कर लिया तो कर लिया। शिष्य का माथा ठनका कि ये बूढ़ा गुरु चैलेंज स्वीकार कर चुका है, मतलब उसने कोई ना कोई विद्या छिपा कर रखी होगी। शिष्य ने गुरु पर नज़र रखनी शुरू कर दी। शिष्य ने देखा कि गुरु ने एक लोहार से 15 फीट लंबी एक म्यान बनवाई। शिष्य समझ गया कि गुरु ने उसे यही विद्या नहीं सिखाई थी। 15 फीट लंबी म्यान मतलब 15 फीट लंबी तलवार, मतलब वो 15 फीट दूर से ही उसकी गर्दन उड़ा देगा। शिष्य ने दूसरे लोहार से 16 फीट लंबी तलवार और म्यान बना ली। शिष्य ने समझ लिया था कि जब गुरु 15 फीट दूर से तलवार निकालेगा, उससे 1 फीट लंबी तलवार से वो उन पर हमला कर देगा। तलवारबाजी शुरू हुई। सबने देखा कि गुरु के हाथ में 15 फीट लंबी म्यान थी और शिष्य के हाथ में 16 फीट लंबी म्यान। सीटी बजी और खेल शुरू। ये क्या, गुरु ने 15 फीट लंबी म्यान से अपनी छोटी सी तलवार सटाक से बाहर निकाली। शिष्य अभी अपनी 16 फीट की म्यान से 16 फीट की तलवार चौथाई भी नहीं निकाल पाया था कि उसकी गर्दन पर गुरु की तलवार तन गई। शिष्य समझ गया कि गुरु ने सिर्फ म्यान ही बड़ी बनवाई थी, तलवार नहीं। शिष्य ने म्यान और तलवार दोनों बड़ी बनवाई थी। गुरु चाहते तो अपनी तलवार से शिष्य का गला एक ही झटके में उड़ा सकते थे, पर गुरु ने शिष्य को पूरे गांव की मौजूदगी में सबक सिखा दिया था। गुरु तो गुरु ही होते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में आंखें नहीं दिखाई जाती। दोस्तों, याद रहे, तलवार की शक्ति से दुनिया में कोई युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध तो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही जीते जाते हैं। धन्यवाद।